हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सीखे सब कुछ पर। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि इस तरह का स्पायरल डिजाइन फोटोशॉप में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी इस फाइल को यहां से क्लोज कर देता हूं। अब हम कंट्रोल एन करके एक नई फाइल लेंगे और यहां से लैंडस्केप में 5x7 का साइज रखता हूं। अब इसको यहां से ओके कर देता हूं। अब मैं इस आइकन पे जाके एक नया पेज क्रिएट करूंगा। देखिए नया पेज आ गया। अब मैं ब्रश टूल में जाके इसका साइज यहां से 4 साइज करेंगे। यहां से जो पिक्सल साइज है इसका 4 साइज होना चाहिए और यहां से इसकी हार्डनेस बिल्कुल 0 होनी चाहिए। इसके बाद हम एंटर कर देंगे। अब इस पेज के बीचों बीच हमें एक वर्टिकल लाइन चाहिए होगी। वर्टिकल से मतलब है सीधी खड़ी हुई लाइन। तो इसके लिए हम व्यू में जाएंगे, यहां से न्यू गाइड में जाएंगे, वर्टिकल को टिक रखेंगे और यहां से 50% कर देंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। ये देखिए यहां पे लाइन आ गई। अब मैं यहां से माउस से एक बार अपना लेफ्ट क्लिक करूंगा और इसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट की को दबा के रखूंगा और नीचे लास्ट में आके टिक कर दूंगा तो मेरी लाइन सीधी बन जाएगी। शिफ्ट दबाने से हमारी लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी। ये देखें हमारी लाइन बन गई। अब ये जो हमने पहली वाली लाइन क्रिएट करी थी इसको मूव टूल की सहायता से हटा लेंगे। इसके बाद हम फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में जाने के बाद डिस्टॉर्ट और फिर यहां से ट्विर्ल, इस पर क्लिक करेंगे और इस कॉलम में आपको साइज 100 रखना है। इसके बाद यहां से ओके कर देंगे। इसके बाद मैं यहां से जाके इस लेयर की एक कॉपी बनाऊंगा कंट्रोल जे करके और इस लेयर पे रहते हुए कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करूंगा। जब आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे यहां पे आपको एक एंगल बना दिखाई देगा। यहां पे आपको साइज डालना है 18। इसके बाद एंटर कर देंगे और इससे हटने के लिए इस वाले टूल पर हम क्लिक करेंगे, यहां पे अप्लाई कर देंगे तो ये हट जाएगा। और इसको लगातार इसी एंगल पर घुमाते हुए इसकी कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से Alt Control Shift प्लस टी करेंगे। यहां पे आपको टी को प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। इसके बाद इस लेयर पे, पहली लेयर पर रहते हुए इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और लास्ट वाली लेयर पे टिक कर दूंगा तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो ये सारी फाइल एक में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब इस फाइल को कंट्रोल जे करके एक और कॉपी बना लेंगे। अब पहली लेयर पर रहते हुए कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करके और यहां से फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे। ये देखिए आपका डिजाइन बन गया। इसके बाद कीबोर्ड से एंटर कर देंगे। इसके बाद इन दोनों लेयर को मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई करेंगे। ये दोनों लेयर मर्ज हो गई। अब देखिए आपका कितनी आसानी से एक डिजाइन बन गया। अब यदि आप चाहें तो इस डिजाइन को दूसरा कलर भी दे सकते हैं कंट्रोल यू करके, ऐसे करके मैं ये कलर रख लेता हूं। और अब आप इसे मूव टूल की सहायता से कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, हमने कितनी आसानी से एक स्पाइरल डिजाइन बना लिया। दोस्तों यदि आप और भी इस तरह के डिजाइन सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।